इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने शानदार तरीके से जीत हासिल की है और धमाकेदार तरीके से टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत की है और इसके सबसे बड़े हीरो बने हैं बुम बुम बुमराह। बुम बुम जैसे पटाखे फूटते हैं ना, वैसे बुमराह वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर फूटे और नतीजा क्या निकला मनोज जी? नतीजा ये निकला कि टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत शानदार तरीके से हुई। नतीजा ये निकला कि हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने बुमराह। नतीजा ये निकला कि मैन ऑफ द सीरीज बने और नतीजा ये भी निकला कि 835 अंकों की उछाल के साथ आईसीसी टेस्ट जो रैंकिंग है उसमें तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इतनी लंबी उछाल मुझे हाल फिलहाल में किसी की याद नहीं आती। बिल्कुल, और भारतीय खेल इतिहास में भी शायद ही कभी आपको क्रिकेट इतिहास में कभी मिले, क्योंकि पहले वो टॉप 10 पर आए और उसके बाद टॉप 10 के बाद इसी सीरीज के अंदर उन्होंने जो 2-5 विकेट हॉल किए, भारत को मैच जिताने में सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, मैन ऑफ द सीरीज बने जैसा कि आपने कहा। और अब उन्होंने जितने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना शुरू किया है उस वो काबिले तारीफ है, और नंबर 3 पहुंचना टेस्ट क्रिकेट में जबकि वो वनडे में वर्ल्ड नंबर 1 पहले से ही है। अच्छा, कोहली ने कहा कि विश्व के बल्लेबाजों पर उन्हें दया आती है, वो सोच रहे हैं कि विश्व के बल्लेबाज उनके सामने अब कैसे खेलेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ के बहुत बड़े शब्द हैं, और शायद उसकी वजह यह है कि उनमें वैरायटी इतनी ज्यादा है कि कोई उनका पूर्व मूल्यांकन नहीं कर सकता कि बुमराह आ रहे हैं तो इन स्विंग आएगी उनकी, अब वो आउट स्विंग भी करने लग गए हैं, आउट स्विंग पर 5 विकेट हॉल भी करने लग गए हैं, उनके बाउंसर बहुत जबरदस्त होती हैं, फुलर लेंथ पर आते हैं, देखिए इस मैच में फुलर लेंथ की उनकी गेंदें वो कहर बरपा रही थी, तो इतनी वैरायटी आपको एक फास्ट बॉलर में आपको शायद ही नहीं। और अगर हम तेज गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाज के पास वेपन्स क्या होते हैं, उनके हथियार क्या होते हैं? लाइन लेंथ होता है, यॉर्कर, स्पीड, बाउंसर, इन स्विंग, आउट स्विंग, सब कुछ तो है इनके पास। सब कुछ है, यॉर्कर देखिए आप, यॉर्कर के तो खैर उस्ताद है ही है, और उसके अलावा इन स्विंग, आउट स्विंग, आउट स्विंग में लगता था कि शायद ये ज्यादा कदाई करते हैं, शायद इन कटर पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन इनकी नहीं, नहीं उसके बाद तो बुमराह ने कहा भी कि मैं आउट स्विंग पर फोकस कर रहा हूं, इस पर हमने पहले भी चर्चा की है, पहले भी पिछले वीडियो में हमने यही चर्चा की थी जिस पर हमने बुमराह के बारे में आउट स्विंग की उनकी खूबियां बताई थी, फिर वो वापस इन स्विंग पर आए, वहां भी उन्होंने विकेट चटकाए, तो जो इतनी वैरायटी है उनके बारे में कोई भी पहले से आकलन नहीं कर सकता कि हमें बुमराह पर इस तरीके से अटैक करना है। वनडे क्रिकेट में देखो आप, वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने एक और नई बॉल डेवलप की थी जो उनके लिए, हालांकि टेस्ट में उसका इस्तेमाल उन्होंने बहुत कम किया, शॉर्ट पिच बाउंसर एक इस तरह की जो मिडिल स्टंप से टिप्पा खाकर लेग स्टंप की तरफ जाती है और बिल्कुल मिडिल स्टंप की लाइन पर बल्लेबाज समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, बिल्कुल ना वो झुक पाता है ना वो आगे बल्ला अड़ा पाता है और उसी चक्कर में उनका विकेट भी गिरता है, और ऐसा उन्होंने वनडे क्रिकेट में कई विकेट भी ऐसे हासिल किए। अच्छा, भारतीय तेज गेंदबाजी में लंबे समय से स्विंग कितनी धारदार रहे इसकी कमी देखी गई है, जिस तरीके से इन्होंने आपने जिक्र किया, पहले मैच में 5 विकेट हॉल, दूसरे मैच में भी 5 विकेट हॉल, हैट्रिक एक ले ली, और जो हैट्रिक में 3 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया, डेरेन ब्रावो, ब्रूक्स और रोस्टन चेस को उन्होंने आउट किया, सारी गेंदें स्विंग थी, तो स्विंग के नए सुल्तान हैं ये, मुझे लगता है विश्व में एक खौफ फैलाएंगे ये। बिल्कुल, अब धीरे धीरे मैं तो कहूंगा कि बुमराह जिस तरह से इनके तेजी से बढ़ते हुए कदम है, लोग धीरे धीरे पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर्स थे उनको भूलने लगेंगे। हालांकि ये कहकर हम कतई वसीम अकरम या वकार यूनुस का महत्व कम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह उनको हम सलाम करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन बॉलर रहे हैं विश्व क्रिकेट पर, विश्व क्रिकेट को पाकिस्तान ने दिए, लेकिन अब बुमराह ने जिस तरह से वो शुरुआत की है, धमाकेदार शुरुआत, 11-12-13 टेस्ट मैचों में जिस तरीके से भारत को मैच जितवाए हैं, इतने टेस्ट मैच चाहे मैग्रा उठा लीजिए, वसीम अकरम उठा लीजिए, वकार यूनुस उठा लीजिए, जितने भी महान एंडरसन उठा लीजिए, उनके भी इतने मैचों में या तो 31-32 विकेट है, इनके 60 विकेट को भी पार कर चुके हैं, कामयाबी इनकी उनसे किसी भी दुनिया के बॉलर से रफ्तार ज्यादा है, बहुत ज्यादा रफ्तार, गेंद की रफ्तार के साथ कामयाबी की रफ्तार भी ज्यादा है, तो मैं समझता हूँ अगर यही सिलसिला चलता रहा, अगर ये 50 टेस्ट मैचों तक ये सिलसिला चला तो ये 50 टेस्ट में जितने भी बल्ले गेंदबाज होंगे ऑल टाइम ग्रेट, उन सबके रिकॉर्ड तोड़ दें। अच्छा, एक चीज है, आप क्रिकेट के इतिहास पर अगर नजर डालें तो एक वक्त ऐसा था जब मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ भारतीय बल्लेबाज बल्कि विश्व के जो बड़े बल्लेबाज हैं वो खौफ खाते थे वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से, लेकिन देखिए वक्त बदला है, इस सीरीज में हमने देखा कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज खौफ खाए हैं इंडियन बॉलर से, बुमराह से। जी हाँ, बिल्कुल उल्टे बाज बरेली इसे कहते हैं, आप देखिए तब हमारी जो ताकत थी स्पिन चौकड़ी हुआ करती थी, बेदी, प्रसन्ना चंद्रा और वेंकट राघवन और फास्ट बॉलर्स के नाम पर, उनके बाद जो 80 के दशक में जो अवतरित हुए वो कपिल देव थे और उनके साथ जो करसन घावरी और मदन लाल, वो उस लेवल के बॉलर नहीं थे कि उन्हें वर्ल्ड क्लास कहा जाए, तो वर्ल्ड क्लास आपकी शुरुआत हुई जवागल श्रीनाथ से, उसके बाद आपके आशीष नेहरा भी आए और कई जो वाकई मतलब जिनके पास गति थी, लेकिन जिस तरह से स्विंग और जिस तरह से गति और जिस तरह से वैरायटी बुमराह में है, ये अपने किसी भी भारत के इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि अंशुमान गायकवाड़ सर हमारे पैनल पर भी हैं
उनसे मैंने सवाल ये पूछा था कि जमैका में उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ है, तो मैंने पूछा था कि 70s का था, 75 या 78 का मैच था, मैं अगर ठीक हूँ तो मैंने पूछा कि उस समय क्लाइव लॉयड कप्तानी कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ मैच के बारे में बताइए, बोले उस समय तो खेल लिया, लेकिन उसके बाद आज सोचकर लगता है कि वाकई उस समय खेलना कितना दुष्कर था, जो गेंदबाज उस समय हुआ करते थे क्लाइव लॉयड की कप्तानी में, उस समय जो टीम थी, आज मुझे लगता है कि बाउंस बैक हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि गार्नर को हम जब देखा करते थे टीवी पर, या जब भारतीय भारत में टीम आई थी, जब हमने उनको देखा वेस्टइंडीज के बॉलर्स को, जितना जिस तरह से उनके लंबा रनअप और लंबा रनअप, लंबा कद और उसके बाद गेंद आती थी, मैं समझता हूँ कि जब वो दौड़ना शुरू करते होंगे तो बल्लेबाज की आधी जान तो वहीं सूख जाती, होगी। और उसके बाद आपके सामने गावस्कर ने जो उम्दा प्रदर्शन किया है, हम बेशक विराट कोहली की बल्लेबाजी या सचिन की बल्लेबाजी में गावस्कर को भुला देते हैं, और बिना हेलमेट के खेलना ऐसे खूंखार गेंदबाजों के सामने, मैं तो गावस्कर को सलाम ही कर सकता हूं कि ऐसा खिलाड़ी भारत ने दिया, इतना उम्दा प्लेयर भारत में हुआ। ऐसे ही उसी दौर में विवियन रिचर्ड्स भी हुए जिन्होंने कभी हेलमेट नहीं पहना, और मैंने उनके दिल्ली में पारी देखी थी, मैंने उनकी जो 192-193 कुछ रन की पारी थी, अद्भुत पारी थी, ऐसी पारी शायद ही आपको कभी टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिले, वैसी कुछ कुछ पारियां मुझे भारतीय जमीन पर वीरेंद्र सहवाग की जरूर दिखाई दी हैं, जो बिना किसी खौफ के कोई भी गेंदबाज उनके सामने आ जाए, कितनी भी रफ्तार हो, सहज तरीके से उनके शॉट देखने को मिलते हैं। चलिए, तो वक्त बदल रहा है विश्व क्रिकेट में, वक्त इसलिए बदल रहा है क्योंकि पहले भारतीय बल्लेबाजों की चर्चा होती थी, अब हो रही है भारतीय गेंदबाजी की चर्चा, वक्त इसलिए भी बदल रहा है क्योंकि पहले स्पिन गेंदबाजी की चर्चा होती थी कि भारत के स्पिनर्स बहुत शानदार हैं, अपनी स्पिन गेंदों को घुमाकर विश्व के बल्लेबाजों को घुमा देते हैं, लेकिन वक्त इसलिए बदल रहा है क्योंकि अब चर्चा हो रही है बुमराह की, जो अपनी स्पीड, यॉर्कर, लाइन लेंथ और इन स्विंग और आउट स्विंग से विश्व के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, टेस्ट चैंपियनशिप की अभी शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि ये एक साल जो है भारतीय क्रिकेट का, अगर बुमराह इसी अंदाज में खेलते रहे, फिट रहे, फिटनेस को लेकर कोई इशू नहीं हुआ, तो ये एक साल में भारतीय गेंदबाजी की जो छवि है पूरे विश्व क्रिकेट में वो बदल जाएगी और उसके सबसे बड़े नायक साबित होंगे बुमराह। चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से जुड़ी अपडेट्स और दिलचस्प ऐसी बातचीत के लिए आप जरूर इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आते हैं।